हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ सर्कुलर लूप और सर्कुलर वायर कैरिंग करंट। बच्चों, जब कोई सर्कुलर लूप या वायर होता है तो उसके थ्रू जो करंट फ्लो होता है उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, हम लोग उसके बारे में यहाँ पर लर्न करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप और सर्कुलर वायर कैरिंग करंट। सो व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर, अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। सो बच्चों, जब भी हम लोग करंट पास कराते हैं थ्रू सर्कुलर लूप ऑफ वायर तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है सराउंडिंग टू दैट करंट कैरिंग लूप। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज शोन इन द फिगर। बच्चों, यहाँ पर यह फिगर है, इस फिगर को हम लोगों को लर्न करना है। यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट किया और ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है बच्चों, और दिस इज सर्कुलर लूप ऑफ वायर कैरिंग करंट और दिस इज करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्कुलर लूप। ये जो है बच्चों करंट का डायरेक्शन है, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट। सो कम टू द पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर सर्कुलर नियर द करंट कैरिंग लूप एज वी मूव अवे फ्रॉम द कंसेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बिकम्स बिगर एंड बिगर। बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो करंट कैरिंग लूप है, इस करंट कैरिंग लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर लूप ओनली, कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप। तो कैसे हम लोग बच्चों इसको मैग्नेटिक फील्ड को करंट कैरिंग लूप के लिए अंडरस्टैंड करेंगे? जैसे यहाँ पर एक लूप बना लेते हैं सर्कुलर लूप, और इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। बच्चों, इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, यह जो लूप है इसको आप छोटे से स्ट्रेट कंडक्टर में, स्मॉल लेंथ में आप स्प्लिट करके समझिए। यहां पर करंट इस डायरेक्शन में है ना, दिस इज द करंट इन दिस डायरेक्शन। सो इसको आप एक सिंगल जो है छोटा सा स्मॉल कंडक्टर के रूप में, सेपरेट स्ट्रेट कंडक्टर के रूप में कंसिडर करके आप करंट को रिप्रेजेंट करके यहाँ पर एनालाइज करिए, ताकि आपको चीजें समझ में आए। तो करंट इस तरह से फ्लो रहा है इस छोटे से सेक्शन में, और इस तरह से करंट फ्लो रहा है। अगर यहाँ पर छोटा सा सेक्शन कंसिडर करेंगे, इसमें करंट ऐसे फ्लो होगा। तो छोटे छोटे सेक्शंस को आप देखिए, और मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा बच्चों, सर्कुलर लूप होगा, कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप होगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो अपने राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में प्लेस करना है, और वह जो छोटा सा कंडक्टर है जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है उसको अगर आप होल्ड करने के लिए अपने राइट हैंड के बाकी फिंगर्स को कर्ल करेंगे बच्चों, तो जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहां पर बच्चों, यह जो करंट करेंट सेगमेंट है, इसमें अगर आप कर्ल करेंगे बाकी फिंगर्स को तो दे विल कर्ल इन दिस सेंस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर बच्चों, अगर ये जो छोटा सा सेक्शन है जिसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, तो इसके लिए बच्चों अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो यह कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप्स इस तरह से बनेगा। अगर इतने से लेंथ को बच्चों हम लोग कंसिडर करें और इसको सीधा करके अगर देखें, तो इसके सराउंडिंग में भी इस तरह से बड़े बड़े लूप्स बनेंगे मैग्नेटिक फील्ड्स का। इन द सेम वे बच्चों, जब हम इस तरफ आएंगे तो यहां पर देखिए, यह स्ट्रेट कंडक्टर छोटा सा, और इसके लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें बच्चों, राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करें, तो यहां पर कैसा होगा, थंब को नीचे की तरफ पॉइंट करेंगे, बाकी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो दैट विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसके लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलेगा, सारे लूप्स क्लॉकवाइज में होंगे। तो यहाँ पर ये क्लॉकवाइज में है, दिस इज इन क्लॉकवाइज। और बड़ा कंसिडर करें तो ये भी क्लॉकवाइज, और बड़ा कंसिडर करें तो क्लॉकवाइज। अगर हम इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दें बच्चों, इस सर्कुलर लूप को आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं, अगर दो पार्ट में इसको स्प्लिट कर दें, इसको अगर सीधा कर दें बच्चों, तो इसमें करंट ऐसे जा रहा है, जब लूप में करंट इस सेंस में फ्लो हो रहा है तो दिस इज गोइंग करंट ऐसे जा रहा है, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड्स इस तरह से होंगे बच्चों, दिस इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसको अगर कट करके बच्चों इधर सीधा कर दिया जाए तो इसमें करंट नीचे की तरफ है, जिसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चों क्लॉकवाइज है,
यस और नो। सो इधर से एंटी क्लॉकवाइज और इधर से क्लॉकवाइज, ये सारे लूप्स को अगर कंप्लीट करेंगे बच्चों, दिस विल बी क्लॉकवाइज लूप्स, और इसको सारे को कंसिडर करेंगे, दे विल बी एंटी क्लॉकवाइज लूप। अगर सेंटर में देखें बच्चों, तो सेंटर पार्ट को देखें, तो सेंटर पार्ट कैसे जाएगा, इस तरह से ही जाएगा, स्ट्रेट लाइन चला जाएगा, यस और नो। सो फाइनली अगर हम बात करें बच्चों, तो इसका नॉर्थ पोल जो है वो नीचे की तरफ बन जाएगा और साउथ पोल ऊपर की तरफ बन जाएगा। बट यहाँ नॉर्थ साउथ अभी आप डिसाइड मत करिए, आप केवल जो है यह डिसाइड करिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था इस करंट करेंग लूप के सराउंडिंग में, उसे हमने कैसे अंडरस्टैंड करना है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पर बच्चों जो दूसरा पॉइंट था उसकी बात हम लोग कर रहे थे, दूसरा पॉइंट यह कह रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर सर्कुलर नियर द करंट करेंग लूप एंड एज वी मूव अवे फ्रॉम द कंसेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बिकम बिगर एंड बिगर। जैसे जैसे आप दूर जा रहे बच्चों तो बड़ा बनते जा रहा है, बड़ा लूप जो है वो बड़ा बनते जा रहा है। नेक्स्ट, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर स्ट्रेट, और जब आप सेंटर पर जा रहे बच्चों लूप के सेंटर पर, तो यह जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है यह बिल्कुल स्ट्रेट हो जा रहा है। बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल ईच सेगमेंट ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इन द सेम डायरेक्शन विद इन द लूप। बच्चों राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं छोटे छोटे सेगमेंट्स के लिए, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है ना। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर इन द सेम डायरेक्शन एंड एड ईच अदर एंड ड्यू टू विच द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। ये जो सेंटर ऑफ द लूप है बच्चों, इस पर सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एड अप हो जाएंगे और सभी एक ही डायरेक्शन में होंगे, दे विल ऑल बी इन द वन डायरेक्शन। एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर इन द सेम डायरेक्शन एंड एड ईच अदर एंड ड्यू टू विच स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। सो दिस इज द पॉइंट बच्चों, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप और सर्कुलर वायर एट इट्स सेंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्कुलर लूप और सर्कुलर वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वायर। बच्चों अगर अपने पास कोई सर्कुलर लूप है, उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अगर लिखना है, तो यह मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर लूप के। दिस इज वॉट वी आर सेइंग हियर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। और यह मैग्नेटिक फील्ड कहां पर लिख रहे हैं बच्चों, सेंटर ऑफ द लूप लिख रहे हैं, सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है आपको बच्चों कि सर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट करेंग सर्कुलर लूप एट द सेंटर क्या होगा और वो क्या चीज पर डिपेंड करेगा, तो दैट विल डायरेक्टली डिपेंड ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्कुलर लूप एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज बाय टेकिंग सर्कुलर कॉयल कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर क्लोजली वाउंड टूगेदर। बच्चों अगर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें इंक्रीज कराना है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है वह इंक्रीज कर देंगे। एक टर्न की वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, अगर मान लेते हैं एक टर्न लूप की वजह से 10 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक टर्न की वजह से बच्चों, एक टर्न की वजह से मान लेते हैं 10 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसी तरह का अगर 20 टर्न्स यूज करेंगे बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 20 × 10, सो दिस इज 200 टेस्ला। सो इफ यू वॉन्ट मोर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, कैसे कर सकते हैं बच्चों, सो वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड टर्न्स। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज बाई टेकिंग सर्कुलर कॉयल कंसिस्टिंग ऑफ अ नंबर ऑफ टर्न्स इंसुलेटेड कॉपर वायर क्लोजली वाउंड टूगेदर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, इफ देर इज अ सर्कुलर कॉयल हैविंग एन टर्न्स, अगर अपने पास सर्कुलर कॉयल है बच्चों जिसमें टोटल एन टर्न्स होंगे, तो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस करंट करेंग सर्कुलर कॉयल
will be n times as large as that produced by a circular loop of a single turn of wire. बच्चों एक टर्न की वजह से अगर सेंटर पर 10 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और अपने पास अगर 100 टर्न्स है और आइडेंटिकल टर्न्स है बट इंसुलेटेड है एक दूसरे से, तो कितने मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर प्रोड्यूस होंगे अब बच्चों? 100 × 10, सो दिस इज 1000 टेस्ला, सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी n टाइम्स. द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस. सो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बच्चों, बी फील्ड की जो वैल्यू होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप. सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. बच्चों यहां से आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लॉक फेस रूल, दैट आई विल बी टीचिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. सो इन दिस वीडियो दिस मच ओनली. सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.